कॉन्ग्रेचुलेशन थ्री ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल. निमृत कैसा लगा ये जर्नी खतरों का खिलाड़ी एक्सपीरियंस करके आफ्टर रिपोर्ट बताइए. बोले अभी बताती तो रुक. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. इनफैक्ट मैं अपने सारे फ्रेंड्स सारे कॉलीग्स को यही बता रही थी कि आई मीन इफ दिस इज द काइंड ऑफ शो कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो यू मस्ट टेक इट. दैट्स हाउ गुड दिस शो इज. बहुत रेयर होता है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा हो जिसमें इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी स्पोर्ट्समैनशिप और कमराडरी हो. एंड आई ट्रूली एक्सपीरियंस दैट. And I was actually very lucky to have these crazy bunch of people with me who have been extremely positive. Pillar of strength, Abdullah. Meri ke pillar sirf tum ho. Ah, thank you very much. Nice joker. Thanks. But yeah, bahut hi incredible experience raha. सबसे ज़्यादा झगड़े किसके हुए वहाँ पे? हम सबके लड़ते रहते थे हम. Also, आपका भी एक statement काफी viral हो रहा था. अगर आपसे कोई पूछेगा आसिम कौन है? क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब हुआ क्या था सिचुएशन क्या था वहाँ पे? कौन है वो मतलब कोई तो है जो आपके साथ वहाँ पे स्टंट करके आया है? मेरे को बंदे नहीं याद है ना नाम याद आ रहा है कुछ. कोई मुझे याद भी नहीं करा रहा. लेकिन सब याद रहता है. Yes, नियति. नियति इस प्रोसेस में लूड़े रहा. मतलब आप जानना क्या चाहते हैं? हमारा सबसे ज्यादा धमाकेदार प्रोमो आउट हुआ ठीक है और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी ताकि आपका ऐसा रिएक्शन आए जो मिल गया. अब इससे ज्यादा सवाल आप टीम से पूछिए ठीक है. यहाँ पर नो आई नो बट अगेन मतलब मैं क्या बोलू जो प्रोमो में आपने देखा यू नो वो सिर्फ एक फन और बैंटरिंग मूड में ही था. इट वॉज नथिंग दैट किसी को फाइट इनिशिएट करनी थी या कुछ भी बट वो एस्केलेट ऐसे हो गए एंड इट वॉज एंड दैट्स अबाउट इट यू नो. उसके बाद तो यू विल ऑल्सो वॉच द एपिसोड एंड यू विल नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था. वेल जो वक्त से पहले आप लोगों को लग रहा था कि वो कॉम्पिटिटर है नहीं लगा था सच में मुझे नहीं लगा. Okay, उसकी वजह भी मैं देना चाहूंगी. आई थिंक ऐसे शोज में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई थिंक समवेयर आई डिडंट फील दैट ही वाज दैट मेंटली स्ट्रांग दैट आई वुड कंसीडर हिम एज अ कंपटीशन. ऑल्सो नियति आसिम ने आपको ऐसे कौन से अपने स्ट्रगल्स बता लिए थे जिसकी वजह से आप इतना डामाडोल हो गए थे? यार ऑनेस्टली मैं उसके साथ टाइप में थी तो कॉन्स्टेंटली हम सबको ही वो बोल रहा था मैंने पेन यू नो स्ट्रगल या मैंने 500 पुशअप्स या पुलअप्स किए हैं दिस एंड दैट. सो मैं बस एज आई सेड मैं नॉर्मल फन वे में बोल रही थी जो ब्रीफिंग में अक्सर होता है कि यार सर ये बहुत ही अपनी पेन के बारे में बोल रहा है उससे पहले मैं और कुछ बोलूँ भी उसने लेवल और औकात एंड स्टफ लाइक दैट बात कर दी तो विच अगेन उसका जो फन मूड था वो किसी और ही एंगल में चला गया. सो एज आई सेड इट वाज नॉट एट ऑल इंटेंशनल कि हम लड़ाई करें और वो उस एंगल में चला गया. तो कहीं नहीं आते अपने एंगर इशू की वजह से खतरों के खिलाड़ी के बीच में से ये आप कह रहे हैं सर हम तो नहीं. तात्पर्य अगर ये है और आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छे बट ये हम नहीं कह रहे हैं आप कह रहे हैं. रोहित सर के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है रोहित सर से? डांट तो आई डोंट थिंक किसी ने खाई. आई थिंक डांट शालीन ने. डांट के लिए हमने एक मुर्गा पाला हुआ था. मुर्गे का तो शालीन जो अंडा भी देता था टाइम टाइम पे. तो रोहित सर के साथ जो बैंटर और जो डांट खाने का प्रोग्राम वो सब में शालीन के लिए रखा था. उसको प्यार भी बहुत मिलता था सर का और डांट भी बहुत मिलती थी तो हम तीनों से बचते गए और बच्चे चुपचाप स्टंट करते गए. तुम्हारा कौन सा? मेरा तो आई थिंक केबल कार एंड वाटर स्टंट वाज डिफिकल्ट. वाटर हाँ चिड़िया फंस जाती थी पानी में. रिवीलिंग टू मच देयर सो मेनी स्पॉयलर्स हियर. आल्सो स्टंट्स के बीच में नहीं देख रहे थे कोई गया था कि नहीं? एक आंसर तो होने दो पहले कि का हां हां तो मेरे लिए केबल कार हाइट स्टंट और वाटर स्टंट बहुत डिफिकल्ट था. करंट बहुत डर लगता है मैं तो लाइटें बंद करके सोता हूं सब कुछ.
एंड आई थिंक इट हैज टू बी द शॉक स्टंट, क्योंकि आप एक बार ही दो बार ही इसको इंडियोर कर भी ले, लेकिन तीसरी बार तक आते जो आपको पता है व्हाट्स इट गोइंग टू व्हाट इट्स गोइंग टू डू टू योर बॉडी, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो मेंटली टेल योरसेल्फ कि अच्छा ये मैं फिर से इंडियोर करूं. ऐसा मैंने सोचा नहीं है सबको भी ये बताया, आपको बता दूंगा, हर एक के अंदर एक जबरदस्त हुनर था और कहीं ना कहीं वो वीक था. तो वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की बात है कि उस टाइम में उसके सामने या वो कंटेस्टेंट उसके सामने नहीं आया. जैसे जिसमें मैं शॉक में रो के पसीने करके काफी लोग आए, सुमोना ने ऐसे करा जैसे कि किसी ने धक्का दिया उसको और वो करके आ गई. किसी ने हाइट का कुछ कर लिया लेकिन उसको पानी का नहीं पता. तो ऐसा हर किसी के पास एक बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा लक के ऊपर डिपेंड करता था कि आप किस स्टंट के लिए जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, किसके साथ जा रहे हैं, किसके ऑपोजिट जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें. और ये हमारा एक ऐसा बैच था, सब बताइए. नहीं, आई थिंक हमारा ये ऐसा बैच था जो हर कोई अपने टास्क में, मतलब कुछ टास्क में अच्छा भी करता था, कुछ स्टंट में अच्छा भी करता था और अगले स्टंट में बुरा भी करता था. तो एंड तक बहुत ही एंड तक सब कंफ्यूज होते थे कि भाई जीतेगा कौन, क्या होगा, कैसे होगा. तो अपनी बात भी कर रही है. टॉप 13 में नाम होना चाहिए. आपके सामने टॉप 3 बैठे हैं, देखिए.